मेवात में हिंसा हुई और अब मेवात पर जमकर राजनीति हो रही है। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको हरियाणा पुलिस द्वारा दायर की गई एक FIR के कुछ अंश पढ़कर सुनाऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा इस FIR में क्या लिखा है। ये FIR हरियाणा पुलिस के ही कुछ अधिकारियों जैसे एक ASI और उनके साथ जो प्रधान सिपाही है, होमगार्ड है, उन सबके बयानों के आधार पर दर्ज की गई है। ये क्या कहते हैं, ये पुलिस अधिकारी कह रहा है कि मैं, मेरी जो ड्यूटी है वो नलहड़ मंदिर पर मौजूद थी, मैं उस समय वहां मौजूद था और उस समय गांवों के एक विशेष धर्म के करीब 800 से 900 लोग वहां पर पहुंच गए जिनके हाथों में लाठी, डंडे, गीड़, पत्थर और अवैध असला था और ये अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए योजनाबद्ध तरीके से हमश्वरा होकर नलहड़ शिव मंदिर में चल रही मेवात धार्मिक जल अभिषेक यात्रा में बाधा डालने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। आगे सुनिए। उसके बाद ये कहते हैं, ये FIR पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको, विशेष समुदाय के व्यक्तियों ने अल्लाहु अकबर व पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे और मैं, ASI और मेरे साथी मंदिर पर मौजूद जलाभिषेक करने आए भक्तजनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी सरकारी पिस्टल से 3 हवाई फायर किए। फिर आगे लिखते हैं, उपद्रवियों ने पेट्रोल से भरी बोतलों से यात्रियों की नलहड़ मंदिर को जाने वाली रोड पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी और खड़े वाहनों में पेट्रोल की बोतलों से गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ये सभी व्यक्ति अल्लाहु अकबर करते करते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आज मेरा बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर मेवात में, नूह जिले में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते लोग एक मंदिर में जाकर जबरदस्ती गोलाबारी करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं और कोई भी लोकतांत्रिक देश, आजाद देश, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी न्यायिक व्यवस्था ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए आज सिर्फ एक बात सोचिए, ये सभी लोग इस देश के नागरिक हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक है, हर नागरिक बराबर है, संविधान सबको बराबर अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार कहां पर है कि एक खास इलाके के, खास समुदाय के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश करें और वहां गोलाबारी करें और वहां पर तोड़फोड़ करें और लोगों की हत्याएं करें। यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। यह वही इलाका है जिसे आप मेवात के नाम से जानते हैं, जिसे बहुत सारे लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। यह वो इलाका है जहां पर कुछ समय पहले तस्करों ने एक डंपर से एक पुलिस के DSP की हत्या कर दी थी, डंपर के नीचे कुचलकर। ये वो मेवात है जिस इलाके में मस्जिदों में टेरर फंडिंग होती है, जहां से मस्जिदों से आतंकवादी पकड़े जाते हैं और ये सब सबूत जो हैं ये आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये वो इलाका है जहां अवैध खनन होता है, चोरी होती है, तस्करी होती है, साइबर अपराध होता है और इन लोगों को बचाने के लिए भी आज हमारे देश में कुछ नेता आकर खड़े हो गए हैं, कुछ पत्रकार आकर खड़े हो गए हैं और इनके लिए भी लोग आज आंसू बहा रहे हैं। इसलिए आज जो ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको सबूत पेश करेंगे उसमें ब्लैक ज्यादा होगा, व्हाइट कम होगा, लेकिन ये कड़वी तस्वीर तो आज आपके सामने पेश करनी ही होगी। ये FIR जो मेरे पास है इस समय, ये मैं लेकर आऊंगा और आपको पढ़कर सुनाऊंगा इसमें कितनी कड़वी सच्चाई बयान की गई है। तो आज ब्लैक एंड व्हाइट मिस मत कीजिएगा। अगर आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उन्हें अभी फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि आज रात को 9 बजे उन्हें आज तक देखना है, ब्लैक एंड व्हाइट देखना है। तो जल्द ही मिलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में आज रात 9 बजे आज तक पर।